नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं विंडोज 10 के कुछ खास फीचर्स के बारे में, जिसको जानने के बाद आपका काम काफी आसान हो जाएगा और काफी समय भी बचेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे विंडोज का सबसे ज्यादा यूज होने वाला शॉर्टकट की विंडो प्लस ई के बारे में, यानी कीबोर्ड से विंडो की के साथ ई जब प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा यूज होता है कि आप कहीं पर भी किसी भी टास्क पर जाकर के आप काम कर रहे होते हैं, किसी भी विंडो पर आप काम कर रहे होते हैं, कई सारी विंडोज खुली रहती हैं उस वक्त, जो है आप किसी अदर ड्राइव में जाना चाहते हैं, कोई और फाइल खोलना चाहते हैं, तो उस समय आपको ज़्यादा समय लगने का चांस होता है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, सीधा किसी भी टास्क पर, किसी भी विंडो पर हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर पर आप वर्क कर रहे हैं और इमीडिएट आपको कोई भी फाइल खोलनी है और आपको किसी भी ड्राइव में जाने की ज़रूरत है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल विंडोज़ के साथ ई प्रेस करेंगे तो आप सीधा फाइल एक्सप्लोरर पे चले जाएंगे। यहाँ पर आकर के आप किसी भी ड्राइव में जा सकते हैं, जिस भी ड्राइव से आपको फाइल ओपन करनी है, सीधा डेस्कटॉप पर जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हैं, यानी कि सभी जगह जाने की परमिशन आपको यहाँ से मिल जाता है। तो आप जाकर के वहाँ पर वो फाइल ढूंढ सकते हैं और खोल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला शॉर्टकट की है। और उसके बाद है बहुत ही बेहतरीन फीचर टास्क व्यू। टास्क व्यू जो है, आप नीचे आएंगे टास्क पेन में तो आप यहाँ पर भी ये आइकॉन देख सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने विंडो आपके खुले होंगे या जितने विंडो पे आप काम कर रहे होंगे, उस सारे के सारे विंडो यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। तो इसको जो है आप कीबोर्ड शॉर्टकट के द्वारा भी आप देख सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट की है इसका विंडोज प्लस टैब। विंडोज प्लस टैब दबाएंगे तो यहाँ से सारी की सारी विंडोज दिखाई देने लग जाएगी। और उसके बाद जो है, इनमें से जिस विंडो को आपको ओपन करना है, उस विंडो को चूज करने के लिए आप एरो की के मदद से आप उस विंडो पे जा सकते हैं। इस तरीके से वो हाईलाइट होता चला जाएगा। इस तरीके से जिस भी विंडो को आपको ओपन करना है, उस विंडो पर ले जा करके आप जो है इंटर प्रेस कर देंगे, वो विंडो खुल जाएगी इस तरीके से। उसके बाद जो है, यहाँ पर भी विंडो एरो की का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ही बेहतर इस्तेमाल है। अगर आप यहाँ से दो विंडो को साइड बाई साइड लगाना चाहते हैं, या 1/4 में लगाना चाहते हैं, या मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो वो विंडो के एरो कीज के मदद से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इसे मिनिमाइज करना है तो माउस से क्या करेंगे, आप यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपको रिस्टोर करना है तो आप यहाँ से सेंटर वाले बटन को प्रेस करते हैं तो विंडो रिस्टोर होती है इस तरीके से। और इसको अगर आपको साइड बाई साइड लगाना है तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। और जैसे ये वन साइडेड 50% स्क्रीन का लेगा, वैसे ही 50% में आपको दिखाई देगा। जितने भी सारे के सारे टास्क खुले होंगे, विंडो खुली होगी, वो सारी की सारी दिखाई देगी वहाँ से। अब इसको जिसको भी आपको राइट साइड में भी लगाना है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगी इस तरीके से। या फिर 1/4 में लगाना है तो आप यहाँ से लेकर के कॉर्नर में जाएंगे तो वो इस तरीके से 1/4 में दिखाई देने लगेगी। फिर 1/4 में सारी की सारी विंडो आपकी दिखाई देगी। यही चीज़ें आप जो है शॉर्टकट की के मदद से भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस विंडो को आप रिस्टोर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, विंडो के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे, इस तरीके का रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से डाउन एरो करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इस विंडो को आप रिस्टोर करना चाहते हैं, डाउन एरो प्रेस करेंगे, रिस्टोर हो जाएगा। लेफ्ट या राइट में किसी भी साइड में आप इसको लगाना चाहते हैं तो लेफ्ट करेंगे, इस तरीके से ये लेफ्ट में लग जाएगा। और विंडो की के साथ सेलेक्ट रखते हुए विंडो की के साथ राइट क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा रिस्टोर हो जाएगा। फिर दोबारा राइट प्रेस करेंगे तो ये राइट में लग जाएगा। और विंडो की को दबाए रखते हुए अगर आप अप एरो प्रेस करते हैं तो 1/4 में ये ऊपर लग जाएगा। फिर दोबारा डाउन करके फिर दोबारा विंडो के साथ डाउन करते हैं तो 1/4 में डाउन में लगेगा। मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो फिर विंडोज की के साथ अप प्रेस करें और फिर दोबारा अप करें, फिर दोबारा अप कर दें तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। उसी प्रकार मिनिमाइज करना है तो विंडो की के साथ 1 पर डाउन कीजिए, डाउन एरो दबाइए, फिर दोबारा डाउन एरो दबा दीजिए, ये मिनिमाइज हो जाएगा। फिर दोबारा से आपको और कोई टाइप खोलना है तो विंडो के साथ टाइप पे जाएं और यहाँ से फिर दोबारा से एरो की से सेलेक्ट करने के बाद आप उस टाइप
ओपन कर सकते, इंटर करते ही वो ओपन हो जाएगा। इसको मैक्सिमाइज करना है तो विंडो की के साथ अप एरो दबा दीजिए, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके बाद है मल्टी डेस्कटॉप पे काम करना। मल्टी डेस्कटॉप का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, खास करके जो मल्टीवर्क करते हैं जो लोग। जैसे मान लीजिए मैं अपने आप पे उदाहरण देता हूँ, मेरा दो टाइप का काम है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, और दोनों ही एक समय में करना पड़ता है हमें। जैसे मान लीजिए दिन में हूँ तो जो भी वीडियो रिकॉर्ड वगैरह हुआ है उसका एडिटिंग वगैरह करना, उसको जो है अपलोड वगैरह करना, या फिर बाकी एनीथिंग जो भी वर्क है। एक हमारा ये यूट्यूब वीडियो का काम है, और दूसरा काम है हमारा, ये तो हमारा हो गया साइंटेक विजन, दूसरा साइंस टेक्नोलॉजी से हमारा चलता है, कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर चलता है। तो उसका वर्क हो गया, उसका फी वगैरह रिसीव करना हो गया, या फिर आई कार्ड से रिलेटेड वर्क हो गया, अटेंडेंस वगैरह का वर्क हो गया। तो ये जो है हमारा दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क हैं, दोनों ही दिन में चलते रहते हैं, और दोनों में ही अलग अलग कई सारे फाइलें खोल करके रखनी पड़ती है हमें। तो इन दोनों को बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट करने के लिए हम दो डेस्कटॉप पे हम काम करते हैं। उसके लिए जैसे ही आप विंडो प्लस टैब दबाते हैं तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं हमारे दो यहाँ पर डेस्कटॉप ओपन हैं, और यहाँ से एक और डेस्कटॉप ओपन करने के लिए आप यहाँ पर न्यू डेस्कटॉप, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो एक और न्यू डेस्कटॉप आपका क्रिएट हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कैसे काम करते हैं इस पर। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इस डेस्कटॉप पर हैं और हम विंडो टैब दबाते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी हमारी फाइलें ओपन हैं, ये सारी फाइलें हमारी वीडियो एडिटिंग रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, मतलब कि जो यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ उससे रिलेटेड सारी की सारी फाइलें ओपन है। इसमें बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है, यानी कि इस डेस्कटॉप पर जब हम होंगे तो हम सिर्फ जो है वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हम सारे काम कर रहे हैं, या यूट्यूब वीडियोस बनाने से रिलेटेड थंबनेल वगैरह बनाना है या जो भी कुछ करना है, वो सारे के सारे हम डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, यानी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। अब इसी वक्त कोई फी आ गई, कोई एडमिशन वगैरह आ गया, या फिर इस तरीके का कोई भी सेंटर से रिलेटेड अगर हमको वर्क करना है, तो हम सीधा इस डेस्कटॉप से हट करके हम कंप्यूटर सेंटर वाले डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल विंडो प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे तो हम सीधा का सीधा हम सेंटर वाले डेस्कटॉप पे आ गए। अब इस पर जो है विंडो के साथ टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ जो है सेंटर से रिलेटेड हमारे विंडो खुले हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये है रिकॉर्डिंग, चूंकि रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए ओपन है, नहीं तो बाद में ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर सेंटर से रिलेटेड है, हमें फी वगैरह एक्सेप्ट करनी है वो हमने एक्सेप्ट किया, या फिर जो भी है अटेंडेंस वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा, आई कार्ड के लिए इमेजेस वगैरह चाहिए तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से हम चेक कर पाएंगे। मान लीजिए इस पर हमने वर्क किया, करने के बाद हम काम ख़त्म, हम दूसरे डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं अपना, फिर दोबारा एडिटिंग वगैरह काम यानी वीडियो का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ विंडो प्रेस करेंगे, और हम राइट एरो से गए थे नेक्स्ट डेस्कटॉप पर तो अब हम लेफ्ट एरो से आएंगे तो हम पहले वाले पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे सारे वीडियो से रिलेटेड सारे के सारे हमारे फाइल्स टास्क वगैरह खुले हुए हैं जिन पर हम काम करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन फीचर है हम इसका इस्तेमाल करके, और हम अलग अलग वर्क को बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं और उस पर जाकर के हम अपने काम को कर सकते हैं। बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार वो फाइलें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे फाइल्स ओपन हो जाती हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेटर है कि हम डिफरेंट डिफरेंट डेस्कटॉप अपने काम के हिसाब से क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम कई बार क्या होता है कि हम कोई भी वर्क कर रहे होते हैं और उसी बीच के अंदर हमें कोई और एप्लीकेशन हमें ओपन करना पड़ता है, जो कि हमने बार बार जो भी यूज़ करते हैं उसको हमने यहाँ टास्क पेन में पिन कर रखे हैं। तो इसमें पिन किया हुआ कोई भी एप्लीकेशंस अगर हमें कभी भी इमीडिएट खोलने की ज़रूरत पड़ जाती है, ओपन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या करते हैं हमें तुरंत यहाँ पर आना पड़ता है और यहाँ से क्लिक करके ओपन करना पड़ता है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो है कितने नंबर पर है, यानी कि यहाँ से नंबर से आता है इस टास्क व्यू को छोड़ करके यहाँ से काउंट करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने 1 पे कैलकुलेटर रखा हुआ है, 2 पर इंटरनेट रखा हुआ है, 3 पर ये फोल्डर्स वगैरह रखा हुआ है, 4 पर हमने क्रोम रखा हुआ है, ये पिन किया हुआ है। तो मान लीजिए हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, अचानक हमको कैलकुलेटर खोलना है तो हमें एक माउस से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, विंडोज़ के साथ हम 1 को दबाएंगे, और ये 1 जो दबाएंगे न्यूमेरिक की से नहीं लेगा, ये जो साइड में कीबोर्ड पर न्यूमेरिक की जो साइड में होता है वहाँ से नहीं लेगा, ये हमेशा जो अल्फाबेटिकल की है उसके ऊपर जो नंबर होता है 1, 2, 3, 4 वहाँ से लेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम ये काम कर रहे हैं और तुरंत हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ी तो विंडोज़ के साथ 1 प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा,
इस तरीके से। साथ ही हम कोई भी वर्क करना चाह रहे हैं कि क्रोम हम खोलें, तो क्रोम हमारा चूंकि नंबर 4 पे था, जो यहाँ से आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, विंडो के साथ हम 4 प्रेस करेंगे और क्रोम खुल जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन ये फीचर है, आपका समय बचाएगा। उसके बाद है, मान लीजिए कई सारे विंडो खुली हुई है आपके डेस्कटॉप पर और सीधा आप डेस्कटॉप पर पहुँचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान शॉर्टकट की है, विंडोज़ प्लस डी दबाते ही आप बिल्कुल डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। और उसके बाद तुरंत अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो विंडोज़ के साथ डी दबा देंगे, फिर दोबारा से वो सारे के सारे टास्क बार ओपन हो जाएगा। सीधा डेस्कटॉप पर पहुंचने के लिए आप माउस के जरिए यहां से भी आ सकते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पर आने के बाद जो है यहां से आप कॉर्नर पर जो यहां पर दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप जो है डेस्कटॉप पर पहुंच सकते हैं। और उसके बाद जो है एक बहुत ही कॉपी करने का बहुत ही बेहतरीन विंडोज 10 में फीचर दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आप इसको कॉपी करना चाहते हैं कहीं पर भी या एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस विंडो यानी कंट्रोल के साथ विंडो की को दबाकर रखते हुए आप इसको साइड में ले जा करके जहां पर भी लेफ्ट क्लिक करके छोड़ेंगे इस तरीके से, तो कॉपी हो जाएगा। यानी कंट्रोल प्लस विंडो प्लस इसको ड्रैग कीजिए और जहां भी कॉपी करके रखना छोड़ दीजिए, तो इस तरीके से कॉपी होता हुआ चला जाएगा। उसके बाद जो है हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अल्टर यानी ALT कीबोर्ड की जो बटन है ALT+F4 यानी अल्टर प्लस F4, उसको जब आप क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी विंडो पे वर्क कर रहे हैं, तो इस वक्त क्या है जब अल्टर प्लस F4 प्रेस करेंगे तो जो भी विंडो आपके सामने होगी वो क्लोज हो जाएगी सीधा। जैसे इसको भी क्लोज करना है, अल्टर प्लस F4 हमने प्रेस किया, ये क्लोज होती चली जा रही है, इस तरीके से क्लोज होता हुआ चला जाएगा। लास्ट में जब कोई भी विंडो नहीं होगा उस वक्त जब आप अल्टर प्लस F4 प्रेस करेंगे, जो भी विंडो खुली होगी भले मिनिमाइज है, तो वो विंडो क्लोज होने के लिए अगर बाई चांस सेव नहीं किया तो सेव करने के लिए बोलेगा, आप यस करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, वो सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद वो क्लोज हो जाएगा। जब सारी विंडोज़ क्लोज हो जाएगी और क्लोज होने के बाद जब अल्टर प्लस F4 प्रेस करेंगे तो विंडोज़ शट डाउन करने के लिए आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर शट डाउन पर है क्लिक, अगर आप डाउन एरो प्रेस करते हैं तो रीस्टार, और फिर उसके बाद एरो अप करते हैं तो शट डाउन, और इंटर करेंगे तो कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की सारी और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले शॉर्टकट कीज़ और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले विंडोज़ के फीचर हम बताए हैं, जो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। इसको इस्तेमाल करके आप अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं, अगर आपका कोई सुझाव है तो आप बता सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।